व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं अपने सेटअप पर, आप देख सकते हैं अपना सेटअप थोड़ा सा चेंज हो गया है शादी के कारण, तो हमने अपना सेटअप अंदर से बाहर कर दिया है। तो हम अभी आपके लिए एक और नई चीज़ लेने आ रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं, आपको बताएंगे फिर क्या लेने आ रहे हैं। आपके लिए सरप्राइज़ है, वो चीज़ तो बहुत अच्छी है पर आपको सस्पेंस में रखना भी ज़रूरी थोड़ा। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। दोस्तों हमने अपना ट्रेवलिंग केज ले लिया है, ट्रेवलिंग तो नहीं है, बड़ा केज है पर वो बर्ड भी थोड़े बड़े हैं इसलिए हमें यही ले जाना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं, हमें दो पेयर लाने हैं उसके, तो एक पेयर तो हमारे एक फ्रेंड है उनके लिए लाना है और एक पेयर हमारे लिए, तो अभी हम चलते हैं। तो दोस्तों मैं और अक्षत भी अभी निकल गए हैं अपने मंजिल के लिए। अभी हम अपने बर्ड्स लेने जा रहे हैं, हमको दो जगह बर्ड्स लेने जाना है, तो अभी हम आपको बताते हैं चल के कहाँ कहाँ जाना है हमें। Thousand years later. दोस्तों हम अपने वसीम भैया के शॉप पर आ गए हैं, अभी हमारा कनूर का पेयर वो रखा, आप देख सकते हैं इसको अभी वसीम भैया ट्रांसफर करेंगे केज में। और भैया की शॉप है कि सब सीड्स और वो सब की गॉड का और वो सब सामान मिलता है। तो दोस्तों हमने पेयर ले लिया है कनूर का, इसमें भैया इसमें मेल कौन सा आएगा दोनों में से? येलो साइडेड का मेल है और रेड फैक्टर वाली अपने फीमेल है। पाइनएप्पल की फीमेल। अच्छा अच्छा पाइनएप्पल की फीमेल। ये हमारे अक्षत भैया लेके खड़े हैं दोनों कनूर को, एक कनूर ये भी हमारे। उस दिन अफ्रीकन ग्रे बने थे, आज कनूर बन गए। तो दोस्तों हमने अपने कनूर तो ले लिए हैं, अब हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं चिराग भैया के यहाँ पे। हमने लोकेशन अपने फ़ोन में चालू कर रखी है और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑटो रिक्शा ज़्यादा दिख रहे हैं। Three days later. तो दोस्तों अभी हम चिराग भैया की मल्टी में आ गए हैं, अभी उनका घर थर्ड फ्लोर पे, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया पहले ही कि आप डॉग्स बांध दो, उनके पास अमेरिकन बुली है, वो हमें जानते नहीं, एग्रेसिव डॉग बहुत ज़्यादा है वो। अभी हम चलते हैं ऊपर। दोस्तों आप देख सकते हैं चिराग भैया का डॉगी है, एक बांधे ना अच्छे से उसको, एक तो हमने अभी अंदर पहुंचा दिया भैया के हाथ से। भैया वो कौन सा अमेरिकन बुली, ये मेल है या फीमेल है? ये फीमेल है। अच्छा ये कौन से ब्रीड है? अच्छा अच्छा ये कनूर बुली। तो दोस्तों हम चिराग भैया के घर पे आ गए हैं, आप ये देख सकते हैं एक पेयर तो एल्बिनो का है रेड आई में, और दो मेल हैं इसमें। भैया ये मेल कौन कौन से अपने? सैडल बैग हैं, सैडल बैग के दोनों मेल हैं। तो ये भैया को सेल करना है चारों पीस, तो किसी को भी लगे तो भैया का नंबर मैं डाल दूंगा, आप एक बार कांटेक्ट कर लेना। और भैया ये जो नॉर्मल अपना पेयर रखा है ये भी सेल करना है क्या आपको? ये फुल ब्रीडिंग पेयर है, दो क्लच डन है, एडल्ट है, ये भी सेल करना है? अभी बॉक्स में से निकले, हाँ ये भी दे देंगे। अच्छा अच्छा इनके प्राइस तो आप ही बता देना, मैं वीडियो में नहीं बताता हूँ। और हमने जो पेयर ले लिया है वो तो हमने अभी निकालना है क्योंकि ये मस्तीखोर थोड़े ज़्यादा हैं। एक इसमें ग्रीन चीक की फीमेल है और मेल कौन सा बोल रहे थे भैया? हाइपर रेड फैक्टर में, हाइपर रेड फैक्टर में मेल है। आप दोस्तों कलर देख सकते हैं इनका कितना प्यारा कलर है। और एक जो हम पेयर लाए वो तो एक तो ये पेयर रहा, अक्षत भैया के पास है तीन कनूर मतलब दो। गजब बेइज्जती है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पेयर। हम सोच रहे हैं ब्रीडिंग बॉक्स भी भैया से ले लेते हैं क्योंकि ये अभी फिर हम कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो दोस्तों हमने अपने कनूर भी ले लिए हैं और एक हमारे भाई के कनूर भी ले लिया, और कनूर ने एक गिफ्ट भी दे दिया हमें, बहुत जोर से बाइट कर लिया अभी एक कनूर ने हमें, आप देख सकते हैं वीडियो में क्लियर दिख रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, इसकी फीमेल बहुत ज़्यादा एबली, उसने हमें बाइट कर लिया, ये देखें मस्ती भी कर रही है काटने के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चिराग भैया का अमेरिकन बुली है। ये बहुत ज्यादा डेंजर है, इसको देख, इसको देख के तो हम जल्दी आए नीचे उतर के, अभी भैया इसको खोलेंगे हम जाएं फिर। और एक ये है भैया की। तो दोस्तों अभी हम घर के लिए निकलते हैं, इन्हें रिलीज करना है, ये तो हमारे एक भाई को देना है हमें, और ये हमें रिलीज करना है अपने केज में जाके बड़े आले में, तो अभी हम चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम अपने पेयर को घर पर लेकर आ गए हैं, अभी हम इसे ये आले केज में, बड़े आले केज में रिलीज़ करेंगे, आपको बताते हैं फिर वीडियो।
तो दोस्तों हमने अभी अपना केज रख के उसका गेट ओपन कर दिया है, ये इनकी मर्जी से चले आएंगे, हम जबरदस्ती इनको पकड़ के नहीं डालेंगे केज में। इससे ना बर्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं ज़्यादा पकड़ो बर्ड्स को। तो दोस्तों हम अपने बर्ड्स के लिए ये टांगने वाले फीडर भी ले आए हैं। हमारे ना लव बर्ड बहुत ज़्यादा दाना उड़ाते हैं, मतलब अच्छा दाना भी पूरा उड़ा देते हैं ये, तो फिर भी इसमें तो फिर भी थोड़ा तो बचेगा। ये हम चार फीडर ले आए हैं, अभी हम लव बर्ड्स के इसमें तो ये लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमने रख दिया है केज, ये इनकी मर्जी से निकल जाएंगे। इस केज में अभी एक पेयर कॉकटेल है, एक पेयर तो क्या मतलब, एक हेलीकॉप्टर का मेल है और एक फीमेल है नॉर्मल बजी इसकी, आप देख सकते हैं रेड आई में है। एल्विनो नहीं लुटिनो, और दो तीन फिंचर्स घूम रही है इसमें। उसके बाद अपना तो सेटअप है ही सही, फिर इधर साइड में ऊपर शेर भी बैठा है। हमारे कनूर ने पहले वालों ने भी अंडे दे रखेंगे, अभी मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं करा, पता नहीं कितने अंडे हैं इसमें, मैं चेक करूंगा फिर आपको बताऊंगा इनकी क्या प्रोसेस चल रही। और बाकी सब बर्ड्स तो अभी देखेंगे जो भी होगा, अभी ब्रीडिंग तो किसी की हुई नहीं, सिर्फ ये एक मटकी में चार एग्स हैं, बाकी सब तो अभी मटकी पकड़ के बैठे हैं, किसी ने एग्स दिए नहीं है अभी। दोस्तों ये दोनों निकल नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल में मैंने पूरा केज अंदर ही खोला है, केज के अंदर केज खोला है, जब जाके ये बाहर निकले हैं। अब स्पीड पकड़ लेंगे क्योंकि केज बड़ा है ना। तो दोस्तों हम आप सबके लिए ऐसे ही कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट में मुझे बताना कि कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।